DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. देखिए, मैं एक वार्ड की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहती हूँ कि मैंने जब वार्ड जब अपना पूरा लॉकडाउन हटा था और उससे पहले जब कर्फ्यू क्षेत्र था और वो भी हटाया गया था, कर्फ्यू क्षेत्र हटने के बाद मैंने सैनिटाइज कराया, मार्केट वालों की सबकी जांच भी कराई है। अब इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक जो भी कचौड़ी लेने आ रही है, नाश्ता लेने आ रही है, उसको ये लोग स्वयं पैक करके दें। लेकिन इस चीज़ की पालना दुकानदार अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं कहना चाहूँगी प्रशासन उसकी कार्रवाई खुद करे और आके इन लोगों को समझाए। समझा तो पहले भी चुके हैं, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह फैल रही है उसका प्रभाव तगड़ा अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। लोग बाग इस चीज़ को थोड़ा गहराई से नहीं ले रहे हैं। मास्क लगाकर और सैनिटाइज कर और सोशल डिस्टेंस की पालना बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी जनता को फिर कि बार बार जनप्रतिनिधि आके आपको नहीं समझाएगा, ना कोई व्यापारी समझाएगा। आप स्वयं इस चीज़ की पालना करके चलें ताकि आपका जो जीभ का स्वाद है वो भी बरकरार बना रहे, मार्केट भी बरकरार रहे और हम लोगों की डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे, जिससे कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैले। क्योंकि बीमारी एक ऐसी है, पता नहीं चलता कि किसको ये बीमारी है और किसको कब लग जाएगी। तो आप लोग स्वयं इसके जिम्मेदार रहेंगे। अगर कभी भी किसी प्रकार का कोई मार्केट में इस प्रकार का कोई अगर हादसा होता है या कोई बीमारी के का प्रकोप होता है तो मैडम दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। देखिए, दुकानदारों ने मास्क लगाया तो मैं कहना चाहूँगी ऐसी दुकानों को बंद करवा दिया जाए जो इस चीज़ की पालना नहीं करवा पा रहे। क्योंकि नियम बनाए जाते हैं, माना कि उसकी पालना पूरी नहीं होती है, लेकिन कम से कम जो नियम इस तरह के हैं जो बीमारी को दूसरों को फैला रहे हैं, इनके द्वारा कचौड़ी दूसरों के हाथ में जा रही है तो उससे भी बीमारी फैल सकती है। लेने वाले को है या देने वाले को है बीमारी, ये कुछ पता नहीं चल सकता। तो इसकी नियम की पालना इनको खुद को करनी पड़ेगी, ये मैं फिर आपसे कहना चाह रही हूँ। और इन व्यापारियों से, कचौड़ी वाले से ये भी कहना चाहूँगी कि आप नाश्ता दें तो पैकिंग करा के दें, ना कि यहाँ पर खिलाएं। कौन सी दुकान है, कहाँ पर है? ये खंडेलवाल कचौड़ी, जो कि अजमेर शहर की फेमस दुकान है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी कहूँगी कि अगर ये नहीं मानते तो आप कार्रवाई करें, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी जो भी होते हैं वही बदनाम होते हैं। तो प्रशासन तो अपना काम कर रही है, जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जनता व्यापारी अगर ये लोग नहीं करें, कचौड़ी वाले, तो आप इनको स्वयं इनके नियमों की पालना करवाएं आके।